नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनआर स्टडी में। हम बात कर रहे हैं कहानी इतिहास की। मेरे साथ मैं दिनेश निम्बावत। हम इतिहास को कहानी के माध्यम से समझ रहे हैं। आज ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना की बात करते हैं। हमने असहयोग आंदोलन की बात कर ली थी, अब बात करते हैं आज सविनय आंदोलन की, जिसका टाइम पीरियड 1930-31 है। सविनय अवज्ञेय आंदोलन की जो है, इसकी परिस्थिति कैसे बनी, इसके कारण क्या रहे, इसके महत्व क्या रहे, इसके बारे में जानते हैं आज। देखिएगा, पहले इसके कारणों की बात हम करते हैं। साइमन कमीशन, सबसे पहला कारण यही आता है। ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन के 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसमें किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया। अतः कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय किया। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, जहां उसका काले झंडों तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से स्वागत किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस निकाला गया। पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई 1930 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट से भारतीयों को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि रिपोर्ट में भारतीय जनता की आकांक्षाओं की घोर उपेक्षा की गई। नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना। ब्रिटिश सरकार की चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार 31 दिसंबर 1928 तक नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं करेगी, तो कांग्रेस अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया। इस अधिनियम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को ये अधिकार दिया गया कि उपयुक्त समय पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दे। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। सोचनीय आर्थिक स्थिति भी कारण था। 1929 में देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत सोचनीय बनी हुई थी। बढ़ती हुई कीमतों के कारण कृषकों की दशा दयनीय हो गई थी। ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण व्यापारी और व्यवसायी भी असंतुष्ट थे। मजदूरों की दशा बहुत सोचनीय थी। देश में अशांति का वातावरण था उस समय। 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 27 श्रमिक नेताओं को राजद्रोह के आरोप में कठोर कैद की सजा दी। इसे मजदूर वर्ग में असंतोष व्याप्त था। इसी समय सरदार भगत सिंह दत्त ने विधानसभा में बम फेंककर श्रम, गांधी जी इन हिंसात्मक गतिविधियों से चिंतित थे। गांधी जी की मांगों की उपेक्षा करना। गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सम्मुख 11 मांगे प्रस्तुत की, परंतु ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को अंतिम चेतावनी के रूप में एक पत्र लिखा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो 12 मार्च 1930 को नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। देखिए, अब आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ किस तरीके से रहा। 22 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से डांडी समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया।
200 मील की पैदल यात्रा चलकर 24 दिनों में तय की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम किस प्रकार से रहा? जगह जगह पर नमक कानून बनाकर तोड़ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, स्त्रियों द्वारा शराब तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार करना, सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र देना, सरकार को टैक्स न देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार पूरे भारतवर्ष में किस तरीके से हुआ? गांधी जी का अनुसरण करते हुए हजारों लोगों ने नमक कानून का उल्लंघन करते हुए स्थान स्थान पर नमक बनाया, स्वदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, दिल्ली में 16 सुनारियों ने शराब की दुकानों पर धरना दिया, अनेक सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरियों से त्याग पत्र दे दिया, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए लोगों पर लाठियां बरसाई और हजारों लोगों को जेलों में बंद कर दिया। धारासना में तथा बडाला नमक डिपो पर निहत्य सत्याग्रह पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई, जिससे अनेक सत्याग्रही घायल हो गए। महिलाओं पर भीषण अत्याचार किए गए। लगभग 90,000 सत्याग्रहियों को जेल में बंद कर दिया गया। गांधी इरविन समझौता किया था जाने। 5 मार्च 1931 को गांधी जी तथा वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता कहलाता है। इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक बंदियों को मुक्त करना, सरकारी अध्यादेशों तथा चालू मुकदमों को वापस लेना, जब्त की गई संपत्ति को लोगों को लौटाना आदि स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार इससे सवाल पूछे जाते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी 12 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे। गांधी जी के भरसक प्रयासों के बावजूद इस सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा सका। अतः द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया और गांधी जी लंदन से खाली हाथ लौट आए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ किस तरीके से जानते हैं? ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीति से दुखी होकर गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी तथा सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया तथा कांग्रेस कार्यालय पर अधिकार कर लिया गया। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई तथा हजारों लोगों को जेलों में बंद कर दिया। 1933 के अंत तक कुल मिलाकर लगभग 1,20,000 लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। आंदोलन की समाप्ति किस तरीके से हुई? धीरे धीरे आंदोलन शिथिल पड़ने लगा। 8 मई 1933 को गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास शुरू कर दिया। सरकार ने गांधी जी को उसी दिन जेल से रिहा कर दिया। अंत में 7 जुलाई 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जो महात्मा गांधी जी ने चलाया था। नमस्कार, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और NR स्टडी के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।